नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे प्राथमिक विद्यालय खरगातीपुर में। आज वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है। इस समारोह को किस तरह से हमने मनाया है, कैसे संचालित किया है और जो अभिलेखीकरण आज के इस वार्षिक उत्सव समारोह एवं पीटीएम अभिभावक शिक्षक बैठक का अभिलेखीकरण जो वीडियो के माध्यम से आपके साथ कल शेयर किया गया था, उन्हीं एजेंडा बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम की रूपरेखा को तैयार किया गया है। और आइए देखते हैं आखिर प्राथमिक स्तर पर हमारे बच्चों ने इस विद्यालय को कैसे सजाया है। और मेरा निवेदन है अपने सभी इस वीडियो को देखने वाले हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, अब हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारा प्रोग्राम कैसा हुआ है कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे लाइक एंड शेयर कीजिए, ताकि हमारे जितने भी सरकारी स्कूल में प्राथमिक विद्यालय हैं वहाँ पर ऐसे कार्यक्रमों को किया जाए और संचालित करने का एक आइडिया मिलेगा कि आखिर हम कम मद में किस तरह से इन बच्चों के साथ बड़ा उत्सव बड़ी खुशी मना सकते हैं। देखिए बच्चों का डेकोरेशन, और साथ ही साथ हम क्षमा चाहेंगे, समारोह की व्यस्तता के कारण हम लाइव नहीं आ पाए थे क्योंकि हमने ऑलरेडी मैसेज दिया था। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से हमने इस कार्य को संचालित किया है। नमस्कार, आज के इस एनुअल फंक्शन में, वार्षिक उत्सव में और अभिभावक शिक्षक बैठक में आप सभी का स्वागत है। आपको पूर्व में ही अवगत करा दिया था व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा कि आज हमारे यहाँ यह समारोह होगा। आप सभी लोगों ने अपना कीमती समय निकाला, हमारे समारोह में शामिल हुए, इसके लिए हम आप सभी का आभार व्यक्त करते हैं और अपने विद्यालय में आपका स्वागत करते हैं। कार्यक्रम की रूपरेखा यहाँ पर बोर्ड पर लिखी हुई है कि सबसे पहले क्या होना है। हमारे कार्यक्रम में दौड़ का जो कार्यक्रम है वो शुरू होने वाला है। सबसे पहले वो बच्चे दौड़ में शामिल होंगे जो 100 मीटर की दौड़ में प्रतिभाग करना चाहते हैं। जो बच्चे 100 मीटर की दौड़ में प्रतिभाग करना चाहते हैं वो बच्चे इधर आ जाएं। सारे बच्चे खड़े हो जाओ, जो बच्चे खड़े हो रहे हैं कैमरा उधर कर दो, देख दिखा दो कैमरे को, आगे बच्चे आ रहे हैं। 100 मीटर और 200 मीटर की दौड़ में प्रतिभाग करने वाले बच्चे इधर खड़े हो जाएं, अच्छे से कैमरा करो, जो रंगोली भी आए बच्चे भी आए। तैयार है? अरे मुझे बोलो। यस सर। एक दो तीन, धक्का नहीं, धक्का नहीं देना है। अरे किनारे भाग, हाँ वो आशीष सबसे आगे रहेगा, और कोई गया, आदित्य गया। चलो पकड़ लो, होएगा उन्ने, चलो। अरे मुझे बोलो। एक वन टू, पीछे हो, फिर से वन
फ्री आदि बच्चों पीछे हट जाओ, एकदम ये लोग आएंगे पीछे हट जाओ, बिल्कुल हट जाओ, यहाँ तो नहीं मारेंगे बहुत। हटो हट जाओ, गिर भी सकता है कोई बच्चा, चोट लग सकती है। बराबर पे हो गया यार, पीछे हो गया। आशीष पकड़ लेना ये बस, ये हां और बच्चों ताली बजाना कसके। हो गया? आप सभी लोग ध्यान से देखिए, ये पोस्टर प्रतियोगिता में ये तीनों बच्चे क्रम से जो है वो फर्स्ट सेकंड और थर्ड है। क्या नाम है इसका? फ्रांसी। फ्रांसी ये प्रथम है, आसमा द्वितीय है, और आरुष थर्ड क्लास में, तृतीय। तो इसी क्रम में ये क्लास चली जाओ उधर, आप अपनी क्लास को पकड़ा दो ऐसे ही। आए हम फोटो जाएंगे दोनों का। ये रजनी मैम फ्रांसी को पुरस्कृत कर रही है। फोटो कोई ले रहा है? फोटो कौन ले रहा है? अनुभव। अरे वैसे लो, तुम लोग डंडा से कर लेते हो, डंडा कटे बैलून ना कटे। आशीष सामने से पीछे हो जाओ और पीछे से जाओ। मैम बैलून कमरे को पीछे जाओ, ये बैलून बजा लेंगे और सिर काट देंगे। पल्ला लड़ी और को नृत्य में डांस में प्रथम पुरस्कार दिया जाता है। पकड़ के इधर उधर देखना शुरू कर दिया। और श्रद्धा ये हमारे विद्यालय में सिर्फ नृत्य में ही सबसे आगे हैं केवल, तो इसलिए इनको भी प्रथम पुरस्कार दिया जाता है। अब ये हमारे क्लास स्कूल का होनहार वो बच्चा है जो पढ़ाई में, नृत्य में, खेल में और हर काम में आगे रहता है। सोनम, सोनम का नृत्य में द्वितीय स्थान है। काजल, काजल का भी नृत्य में द्वितीय स्थान है।